अमृत योजना के तहत बनाई गई सड़क धस गई। रायबरेली जेल रोड निर्मल हॉस्पिटल के पास एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। जहां पर सड़क अपने आप धस गई, वहां के ग्रामीणों ने बताया कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं सड़क को बने, अभी तो बरसात भी नहीं आई है, उससे पहले ही सड़क का यह बुरा हाल हो गया। अब आप सोचिए कि अगर बरसात आ जाए तो इसके बाद क्या होगा, अभी तो बारिश भी शुरू नहीं हुई है, अभी तो मानसून का आना बाकी है। अब आप सोचें कि मानसून में सड़कों का क्या हाल होगा। रायबरेली से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए जिशान आलम की रिपोर्ट। क्या नाम है चाचा? राकेश। कह रहे हैं ये जो सड़क पे गड्ढा हुआ है, ये कब हुआ है? कल हुआ है। कल कितनी देर? अरे ये मान लीजिए 5-5 बजे का। 5-5 बजे? तो ये कितने दिन बनी हुई है ये रोड को? 4-5 महीने हुए हैं। 4-5 महीना? एक बरसात समझ लीजिए। अभी एक भी बरसात इस रोड झेल पाई है क्या? नहीं। कितने दिन बना हुआ है लमसम इस रोड को? 3-4 महीने। 3-4 महीने? ये यहाँ पे जो सड़क पे गड्ढा हुआ है कब हुआ है? ये देखिए क्या है कि अभी 2-2.5 महीने 3 महीने हुआ है ये रोड बने हुए। अच्छा। और इतनी जल्दी इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। अभी 2 दिन पहले तक यहाँ पे ज़्यादा बड़ा गड्ढा नहीं था, थोड़े से मामूली छोटा सा गड्ढा हुआ करता था। अभी 2 दिन के बीच में आप देखिए कितने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, इधर सामने गड्ढे हो गए, पूरी लाइन में गड्ढे हो गए हैं। और जिस दिन एक बारिश हो गई उस दिन तो यहाँ पे बहुत बड़े गड्ढे हो जाएंगे, दूसरी चीज़ बड़े बड़े हादसे हो सकते हैं। तो ये तो सुरंग टाइप का हो गया है यहाँ पे। ये सुरंग सर बहुत नीचे से नीचे तक इधर निकली है, पूरा जेल रोड हो गया, पूरा नीचे सुरंग ही सुरंग है। आप इधर से देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, इधर भी देखिए पूरा कितना बड़ा गड्ढा है। और अभी कल एक हादसा होते होते बचा, हमारा ऑटो पलट जाता थोड़ी देर पे, यहीं पे लेके आ रहे थे, मैं ऑटो चलाता हूँ, ऑटो में लेके जा रहा था, मैंने देखा यहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, तो मैंने उधर से पेड़ वो काट के इधर साइड में रखवा दिए थे। यहीं बगल में एक लड़के की दुकान है, उन लोगों ने मदद किया, उसके बाद आप भी देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पे गड्ढा हो गया। तो ये कितने दिन बने हुए हैं रोड को? यार रोड अभी 2-2.5 महीना 3 महीना हुआ है, मतलब 3 महीने में नई रोड बनी है और 3 महीने में देखिए इतने इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। आपका घर यहीं है? हमारा घर इसी के जस्ट पीछे है, इंदिरा नगर में रहते हैं हम लोग इधर आते जाते रहते हैं। लेकिन बट क्या है कि अगर इसी तरह काम होता रहेगा तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।